हाय दोस्तों, वेलकम टू कैशकल। मेरा नाम है अर्षी बेग और मैं आज आपको बताऊंगी आईफोन 13 सीरीज के बारे में। ये कब लॉन्च होगा, इसमें इसके क्या मीनिंग होगी, इसमें क्या फीचर्स होंगे, आपको क्या इसमें चेंजेस देखने होंगे, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि सब नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। और जैसे आप लोगों को पता है कि आईफोन 13 बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, तो आईफोन 13 कब लॉन्च होगा, तो मैं आपको बता दूं आईफोन 13 कब लॉन्च होगा। तो आईफोन 13 लॉन्च होने वाला है 24th of September में। जैसे कि एप्पल कंपनी का इवेंट है तो हमको उसी दिन आईफोन 13 के सारे वेरिएंट एक साथ देखने मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं नेमिंग के ऊपर। जैसे कि आप लोग सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आईफोन 13 का नाम आईफोन 13 ही हो सकता है, पर इसमें एप्पल कंपनी कहना कुछ और। एप्पल का कहना ये है कि 13 नंबर अनलकी होता है। उसे सर्वे किया था कि अगर हम हमारे न्यू फोन का नाम आईफोन 13 रखते हैं तो आप लोग इस फोन को खरीदेंगे, तो 18.9% लोगों ने इस फोन को खरीदने मना कर दिया है, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो 13 नंबर है वो अनलकी होता है। और जो हमारे वेस्ट साइड में है वहाँ तो बहुत लोगों का 13 नंबर अनलकी होता है। तो हो सकता है हमारे न्यू आईफोन का जो नाम है वो 12S भी हो सकता है, पर 12S भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग नेम है। तो अभी नाम को लेके बहुत कन्फ्यूजन चल रही है। तो जब आईफोन 13 24th को लॉन्च होगा तभी हमें मालूम पड़ेगा कि आईफोन 13 के एक्चुअल नाम क्या रखा गया है। आईफोन 14 के वेरिएंट के बारे में, तो फर्स्ट हमको मिलेगा आईफोन 13 मी, सेकेंड हमको मिलेगा आईफोन 13, थर्ड हमको मिलेगा आईफोन 13 प्रो एंड फोर्थ हमको मिलेगा आईफोन 13 प्रो मैक्स। तो हम बात करते हैं फर्स्ट आईफोन 13th मिनी के बारे में। जैसे आप लोगों को पता है कि पिछले साल 12th मिनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था और एप्पल खुद इस परफॉर्मेंस से ना खुश थी। इस बार एप्पल कंपनी को काफ़ी उम्मीदें हैं आईफोन 13 सीरीज से। तो देखते हैं आईफोन 13th मिनी के बारे में। अगर आप आईफोन 13th मिनी की साइज़ के बारे में बात करेंगे तो आपको आईफोन 12th मिनी और आईफोन 13th मिनी के साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, आपको साइज़ एकदम सेम मिलेगी। अगर हम आईफोन 13 मिनी के बैक साइड में देखेंगे तो हमको सबसे बड़ा चेंज कैमरा में दिखेगा, और कैमरा हमको डायगोनल एंगल में देखने मिलेगा और सेम आपको मैट फिनिश मिलेगा। अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमको सिम ट्रे, स्विच ऑन एंड ऑफ बटन एंड वॉल्यूम अप एंड डाउन का जो बटन के जो प्लेसमेंट है वो थोड़े नीचे देखने मिलेंगे। अगर हम फ्रंट साइड पे आएंगे तो हमें फ्रंट साइड पे एक बड़ा चेंज ये देखने मिलेगा कि हमें माइक्रोफोन का जो प्लेसमेंट है वो चेंज देखने मिलेगा, और नॉच का जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा ऊपर देखने मिलेगा। अगर हम स्क्रीन साइज़ की बात करें तो हमको स्क्रीन साइज़ 5.4 ही मिलेगी, सेम जो मिनी में थी। अगर हम बैटरी की बात करें तो 2406 mAh आपको बैटरी मिलेगी, और स्टोरेज की बात करें तो आपको 412 स्टोरेज मिलेगा। और अगर हम टच आईडी की बात करें तो काफ़ी लीक थी कि आईफोन 13 में आएगा टच आईडी, पर अगर टच आईडी हुआ भी तो वो आईफोन 13 प्रो मैक्स में होगा। अब बात करते हैं चार्जिंग की, तो ये लीक भी थी कि आईफोन 13 में वायरलेस चार्जिंग होगी, पर अगर ये फीचर्स भी होगा वायरलेस चार्जिंग का वो सिर्फ आईफोन 13 प्रो मैक्स के लिए होगा, और नॉर्मल के लिए हमको वायर से ही चार्ज करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो हमें इस बार कुछ नया देखने मिलेगा। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो हमें 120 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने मिलेगा, और उसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप गेम खेल रहे हो तो आप 120 हर्ट्ज में गेम खेल सकते हो, अगर आपको कोई काम नहीं है तो उसको कस्टमाइज़ करके आप 1 भी कर सकते हो। और अगर हम बात करें इंटरनेट स्पीड की तो ये बार आईफोन सीरीज़ में आपको बेस्ट इंटरनेट स्पीड मिलने वाली है। मैं बात करी वाईफाई के बारे में, आपको वाईफाई 6E लेटेस्ट वर्जन मिलने वाला है जो बेटर वायरलेस कनेक्टिविटी आपको देगा। अगर हम बात करें कैमरे की तो इस बार हमें कैमरे में बहुत सारे न्यू फीचर्स देखने मिलेंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि
हमें कैमरे का साइज़ थोड़ा बड़ा मिला है ये बार, तो जानते हैं कि इसमें क्या क्या नए फीचर्स हैं। तो iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro में हमको 6mm वाला अल्ट्रा वाइड लेंसेज देखने मिलेंगे। नाइट मोड तो पहले ही बहुत अच्छा था, पर हमें और बेहतर नाइट मोड देखने मिलेगा। हमें कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, हमें पोर्ट्रेट वीडियो फीचर्स मिलेगा, जैसे कि हम पोर्ट्रेट वीडियो बनाते बनाते चीज़ों को ब्लर कर सकते हैं या बनाने के बाद भी हम उसको ब्लर कर सकते हैं। फिर हमें मिलेगा न्यू फिल्टर्स और न्यू कलर के साथ, तो इस बार हमें कैमरा यूज़ करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो हमको iPhone 13 सीरीज़ iPhone 12 सीरीज़ के ही रेट में मिल जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए एप्पल ने इस बार अपने प्राइजेस इंक्रीज़ नहीं किए हैं। और iPhone 12 सीरीज़ के जो प्राइजेस है वो 5-10,000 रुपीज़ कम हो जाएंगे। और अगर आप फ़ोटोज़ के वीडियोज़ के बहुत शौकीन हो तो आपको ये फ़ोन ज़रूर ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग कोई दूसरे फ़ोन पर वीडियो देखना पसंद करोगे तो आप ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पसंदीदा फ़ोन के साथ। और मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बजाना मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप iPhone 13 ख़रीदना चाहते हो तो अपने पुराने फ़ोन को कैश कर पे कैश करना मत भूलना। पुराने फ़ोन पर आपको बेस्ट प्राइस सिर्फ CashGuard.in ही दे सकता है, तो प्लीज़ विजिट द साइट एंड अपने पुराने फ़ोन को बेच डालो। बाय।